फल और सब्जियां खाने के बहुत सारे फायदे होते हैं, इसलिए हमें इन्हें अपनी डाइट में शामिल करना चाहिए। साथ ही एक्सपर्ट भी हमें ये बताते हैं कि हमें अपनी रोजाना की डाइट में बहुत सारे वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को शामिल करना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, अभी कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बताया गया था कि कुछ फल और फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके सेवन से हमारी सेहत पर नेगेटिव असर हो सकता है, क्योंकि उसमें जो यूज़ किए गए केमिकल्स हैं, जो पेस्टिसाइड केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं, वो इतनी मात्रा में हैं कि उससे हमारी सेहत खराब हो सकती है। तो ये कौन कौन से फल और फ्रूट्स हैं, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लें। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा पेस्टिसाइड के बारे में बताना चाहूँगी कि होता क्या है कि किसान अपनी फसल को खरपतवार से, कीड़ों से, चूहों से, लार्वा से, इस तरह की बहुत सारी चीज़ों से बचाने के लिए केमिकल यूज़ करते हैं, यानी कि पेस्टिसाइड यूज़ करते हैं। लेकिन कभी कभी ये पेस्टिसाइड इतना खतरनाक होता है क्योंकि इसकी क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है जो कि हमारी हेल्थ को नुकसान पहुँचाने लगती है। तो ये कौन कौन से फ्रूट्स हैं जिनको कि उस लिस्ट में लाया गया है कि इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा लेवल में पेस्टिसाइड है। यहाँ पर हम टॉप 10 ऐसे फ्रूट्स और सब्जियों के बारे में बात करेंगे जो कि पेस्टिसाइड से लोडेड है। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि पहला नाम है स्ट्रॉबेरीज़ का। जब इसको टेस्ट किया गया तो 99% जो सैंपल्स थे उसमें एक या उससे ज़्यादा पेस्टिसाइड्स पाए गए, और इनकी स्किन इतनी डेलिकेट होती है कि अच्छे से वॉश करने पर भी जो सारे पेस्टिसाइड्स हैं वो नहीं निकल पाते हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम है पालक, और पालक एक ऐसी सब्जी है जो बहुत ही पॉपुलर है और मोस्टली हर घर में खाई जाती है। तो जब इसको टेस्ट किया गया तो पाया गया कि इसमें जो केमिकल्स हैं, जो पेस्टिसाइड्स हैं, वो भी बहुत खतरनाक हैं। इसमें तो कुछ ऐसे पेस्टिसाइड्स पाए गए जो कि यूरोपियन कंट्रीज़ में बैन भी हैं। तीसरी जो सब्जी है उस लिस्ट में वो है केल, कोलार्ड और सरसों का साग। इसमें भी बहुत ज़्यादा मात्रा में पेस्टिसाइड्स पाए गए हैं। कुछ पेस्टिसाइड्स तो यहाँ पर ऐसे भी पाए गए हैं जिनके कारण कैंसर होने का खतरा बढ़ सकता है। नेक्स्ट जो इस लिस्ट में फूड आइटम है वो है ग्रेप्स, चाहे वो काले हों, लाल हों या फिर हरे अंगूर हों। हर तरह के अंगूरों को जब टेस्ट किया गया तो इनमें भी बहुत अधिक मात्रा में पेस्टिसाइड्स पाया गया। नेक्स्ट जो फ्रूट आइटम है वो है नेक्टराइन। यहाँ भी टेस्ट में पाया गया कि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया गया जिससे कि फल को कम से कम नुकसान हो। कभी कभी इन कोशिशों में ही पेस्टिसाइड्स इतना ज़्यादा यूज़ कर दिया जाता है कि वो लिमिट के पार हो जाता है। इस लिस्ट में नेक्स्ट है हम सबका फेवरेट एप्पल, और यहाँ भी अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए इतना ज़्यादा पेस्टिसाइड यूज़ किया जाता है कि कस्टमर की हेल्थ का ख्याल ही नहीं रखा जाता है। एप्पल की जो स्किन होती है वो भी बहुत पतली होती है, जिसके कारण अंदर तक जो पेस्टिसाइड है वो जाने की संभावना ज़्यादा रहती है। फ्रेंड्स, एप्पल तो एक ऐसा फ्रूट है जहाँ पर कि ऊपर एक वैक्स की कोटिंग भी कभी कभी कर दी जाती है जिससे कि इसकी लाइफ लंबी हो जाए। नेक्स्ट इस लिस्ट में है चेरीज़। ये बहुत छोटी छोटी होती हैं लेकिन उसके बावजूद भी इनमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड पाया गया है। तो फ्रेंड, जो भी कोई सब्जी या फल है उनको बिना अच्छे से वॉश किए बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जो शिमला मिर्च है उसमें भी बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड पाया गया, चाहे वो हरी शिमला मिर्च हो, लाल हो या पीली हो। जितने भी ये बेल पेपर्स हैं या फिर हरी मिर्च है उनमें भी बहुत मात्रा में पेस्टिसाइड्स पाया जाता है, क्योंकि इन सब में बहुत जल्दी ही कीड़े लग जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इनको भी हमें अच्छे से वॉश करके खाना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कि हम ऐसा क्या करें जिससे कि पेस्टिसाइड से बचा जा सके, जिससे कि हमारी हेल्थ को कम से कम नुकसान हो। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले मैं यहाँ ज़रूर आपसे ये शेयर करूँगी कि पेस्टिसाइड्स के क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये हमें कितने गंभीर तरीके से नुकसान पहुँचा सकता है। पेस्टिसाइड से ओवरलोडेड जिस भी हम फल या सब्जी का उपयोग करते हैं वो जैसे ही हम कंज्यूम करते हैं वो हमारे पेट में चला जाता है, और सबसे भयंकर जो इसका असर होता है वो होता है हमारे इम्यूनिटी सिस्टम पर। हम बार बार बीमार होने लगते हैं, पेट में दर्द हो जाता है, पेट में कीड़े हो जाते हैं, डायरिया, मन का मचलना, सिर में दर्द होना, इस तरह की बहुत सारी भयंकर बीमारियाँ हमें धीरे धीरे घेर लेती हैं।
फ्रेंड्स, एक थ्योरी और भी है जिस पर आजकल बहुत ज़्यादा यकीन किया जाने लगा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि पेस्टिसाइड की ओवरडोज के कारण ही आजकल कैंसर इतना ज़्यादा स्प्रेड हो गया है, हार्ट डिजीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं, इसी तरह की बहुत सारी जो बीमारियाँ हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। चलिए अब बात करते हैं कि पेस्टिसाइड को अपने फूड में कैसे अवॉइड किया जा सकता है। इसका सबसे अच्छा और आसान तरीका है फल और सब्जी को अच्छे से रगड़ रगड़ के वॉश कर लेना। आप चाहें तो यहाँ पर बहुत हल्का सा ल्यूक वार्म वाटर भी यूज़ कर सकते हैं। जितने अच्छे से आप सब्जी को वॉश करेंगे उतना ही कम चांसेस हैं पेस्टिसाइड का हमारे अंदर जाने के। दूसरा तरीका है कि फल और सब्जियों को छीलकर खाया जाए। बहुत सारे फल और सब्जियां ऐसे हैं जिनको आप आसानी से छीलकर खा सकते हैं, और जिनको आप नहीं छील सकते हैं उनको आप अच्छे से रगड़कर अच्छे से वॉश कर लें। नेक्स्ट है कि जहाँ तक पॉसिबल हो अपनी सब्जियों को अपने गमलों में, अपने किचन गार्डन में, अपने टेरेस गार्डन पर उगाने की कोशिश करें। नेक्स्ट तरीका जिससे कि हम इस पेस्टिसाइड को नष्ट कर सकते हैं वो है कुकिंग। हम खाने को अगर अच्छे से पकाकर खाएंगे तो जितने भी पेस्टिसाइड्स हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट्स और जो मीट है, जो एग्स हैं, उनको हमें पकाकर ही खाना चाहिए, रो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट फ्रेंड्स, कोशिश करें कि ऑर्गेनिक जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको यूज़ करें या जिनके ऊपर स्प्रे नहीं किया गया है वो फूड आइटम यूज़ करें। नेक्स्ट तरीका जो है पेस्टिसाइड से बचने का वो है उन फूड आइटम्स की पहचान करना जिसमें कि ये पेस्टिसाइड लेवल बहुत ज़्यादा होता है। इसी तरह फ्रेंड्स, आप पानी में विनेगर, बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर डाल के भी सब्जियों को अच्छे से वॉश कर सकते हैं, या फिर सब्जियों को अगर स्टीम कर दिया जाए तब भी हम इस भयंकर जानलेवा पेस्टिसाइड से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने पूरी कोशिश की है आपको ऐसी सब्जियों और फल के बारे में बताने की जिसमें कि पेस्टिसाइड लेवल बहुत ज़्यादा होता है, हम कैसे रोकथाम कर सकते हैं और किस तरह के प्रिकॉशंस हम अपना सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।